हेलो गाइस, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब केमिस्ट्री वाला सर पे। बताइए आज हम किस लेके आए हैं आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको मास ऑफ सॉल्यूट को क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे आप मास ऑफ सॉल्यूट वीडियो के बाहर कैसे जान सकते हैं नॉर्मलिटी समानता नॉर्मलता के कर सकते हैं। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी की क्या कर सकता है अगर प्रीवियस क्लास में लिंक मिल जाएगा, जाके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्ले किया गया, यहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं क्या नॉर्मलिटी को बेस पे सॉल्यूट का मास कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इस सॉल्यूशन में वेट निकालना है किसका, सॉल्यूट का, विलेय का, घुलने का। क्या करना है, मास निकालना है, वेट निकालना है। ठीक है, यहां पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज में, लीटर में। मास ऑफ सॉल्यूट को चीज में, तो ग्राम में। नॉर्मलिटी समानता बराबर के ऊपर बोलता है, मास ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार बट्टा GEW ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन लीटर में दिया है। तो नॉर्मलिटी यहां पर एक नॉर्मल दिया है, एक नॉर्मलिटी यहां पर निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पर हम मास ऑफ सॉल्यूट ही रहने देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ही रहने देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि किसी भी बेस का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या होता है, उसका मोलिक्यूलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बाय मोलिक्यूलर मास हो गया। नंबर ऑफ OH, तो नंबर ऑफ OH कितना है, 1, यानी हो जाएगा 40/1, यानी हो जाएगा 40। यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 40 आया। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे जी, 40 भरेंगे, यहाँ पे क्या भर देंगे, 40 भर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन, NaOH दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन में वॉल्यूम नहीं लिखा है, तो हम वॉल्यूम को यहाँ पर 1 लीटर मान के चलेंगे, 1 लीटर मान के चलेंगे। यहाँ पर होने का वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। क्या होगा, वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लीटर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय GEW निकल गया 40 × 40, यहाँ पर 40 बराबर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 40, यानी कि 40 ग्राम। क्या हो गया, 40 ग्राम, 40 आया तो 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे, विलेय का भार याद करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, देखेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन। इसमें भी वही कह रहा है कि 500 ml N/10 H2SO4, 500 ml N/10 H2SO4 में विलेय का भार निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, हम इरेज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, मास ऑफ विलेय का भार ज्ञात करना है, ग्राम में कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, 500 ml N/10 H2SO4। तो आपको बताया गया है कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम।
सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। नॉर्मालिटी एन बाई टेन तो मतलब हुआ 1/10, एन बाई टेन मतलब क्या हुआ 1/10, ये हो गया नॉर्मलिटी, कितना दिया 1/10, नॉर्मलिटी के ऊपर 1 छिपा है तो 1/10 नॉर्मलिटी हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, इसको हम चलिए एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट एक्स के मान पर आया सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के क्या और बताया गया H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अणु भार निकाल लेंगे तो हाइड्रोजन का होता है 2, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 64, सबको जोड़ेंगे आ गया कितना 96, कितना आ गया जी 96 आएगा, 96/2 कितना आ जाएगा 96 नहीं 98 आता है, 98 आएगा, 98/2 करेंगे कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर मास को हमने निकाल कर जोड़ा 98/2 49 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 49, यहाँ पर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो वॉल्यूम भी दिया 500 ml दिया तो यहाँ पर लिखा 500, लेकिन कह रहा है कि लीटर में चाहिए तो 500 ml को लीटर में चेंज करते क्या आ रहा है 1000 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर बट्टा में क्या आ जाएगा 1000, 1/10 बराबर हो जाएगा एक्स, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1000, ये हो गया 49 × ये हो जाएगा 500, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा तो 1/10 बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 49, 2x ये क्या होगा 49 हो जाएगा ना, x का वैल्यू निकालना है तो 2x × 10 बराबर 49, यानी हो जाएगा x बराबर 49 × 10 × 20, ये हो जाएगा x बराबर 20 × 40, 20 × 80, 20 × 25 100, एक्स बराबर 2.45 ग्राम, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं 0 × 2 = 5 = 10 × 9 = 4, ठीक है। 49/20, 49 को अगर 20 से मतलब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 42 जा 40 हुआ ना, 40 आपको बचा कितना 9, तो 20 × 80 फिर बचेगा 10, 20 × 25 100, ठीक है। तो x बराबर हो गया 2.45, ऐसे तो नॉर्मलिटी के हिसाब से, नॉर्मलिटी के बेस से, नॉर्मलिटी के थ्रू आप किसी भी सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी जब दिया हो और सॉल्यूशन में सॉल्यूट दिया हो और साथ में वॉल्यूम भी रहना चाहिए, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं नॉर्मलिटी। कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा तो लाइक करें और आपका जो भी दोस्त फ्रेंड्स है भैया वीडियो को लिंक शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, गुड बाय।